नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। यही कारण भी है कि बीते कुछ समय में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की संख्या बढ़ गई है, जिसमें एक लोकप्रियता ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी बढ़ी है। भारत में ओला इलेक्ट्रिक को जितनी लोकप्रियता मिली है, उतनी किसी और ब्रांड को शायद ही मिली है। कंपनी की मार्केटिंग करने का भी जो तरीका था, उसने सबसे ज्यादा लोगों को लुभाने का काम किया है। काफी ग्राहकों को ओला S1 प्रो की डिलीवरी भी अब तक मिल चुकी है। लेकिन अब आने वाले समय में जो भी स्कूटर की खरीदारी करने वाले हैं, उनके लिए एक बुरी खबर जरूर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंपनी ने ऐलान किया है कि वो ओला S1 प्रो की कीमत में इजाफा करने जा रही है, जिसकी जानकारी कंपनी के CEO भविष अग्रवाल ने ट्विटर के माध्यम से दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि कंपनी अगली विंडोज अगर ओपन करती है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि विंडोज खुलते ही अब इसे ज्यादा कीमत में बेचा जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर स्कूटर का दाम वर्तमान समय में क्या है कि कीमत बढ़ने से लोग परेशान हो रहे हैं? तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस स्कूटर की कीमत 1,29,999 रुपए थी, जो कि अब बढ़ गई है। होली से ठीक पहले ही ओला स्कूटर्स के एक नए कलर मॉडल को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ही गेरुआ कलर में ओला S1 प्रो स्कूटर को लॉन्च करने का काम किया गया था। ओला इलेक्ट्रिक का ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर पिछले साल 15 अगस्त को भारत में आया था। लॉन्च के तुरंत बाद इस स्कूटर को जमकर बुकिंग मिली। कंपनी ने हाल ही में स्कूटर के लिए नए अपडेट की घोषणा की थी। ये अपडेट इसके परफॉर्मेंस में सुधार करेगा और इसमें कई नए फीचर्स को भी शामिल करेगा। अब आइए जानते हैं कि आखिर इस स्कूटर की खासियत है क्या। ओला S1 प्रो में 8.5 किलोवाट की मोटर की 3.97 किलोवाट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है और ये सिंगल चार्ज में 181 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। बतौर फीचर्स, इस स्कूटर में सिंगल साइडेड फ्रंट टेलीस्कोपिक फोकस, रियर हॉरिजॉन्टल माउंटेड सस्पेंशन, LED लाइटिंग सिस्टम, अंडर सीट स्टोरेज और 3GB रैम के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले शामिल है। इतना ही नहीं, ओला S1 प्रो के कनेक्टिविटी फीचर में 4G, वाईफाई और ब्लूटूथ भी दिए गए हैं, जिसके कारण ही अब इस स्कूटर की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इन सबके बीच पेट्रोल और डीजल के आसमान छू रहे दाम से तो आप वाकिफ होंगे ही, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ती क्यों जा रही है। क्योंकि सरकार रोजगार देना दे आम लोगों को महंगाई के बोझ के तले जरूर दबा रही है। खैर, महंगाई तो अपने चरम पर है और आगे भी रहेगी ही, लेकिन फिलहाल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और तेल की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।